नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आप में से जो लोग किसान को गाली देते हैं, उसे खालिस्तानी बताते हैं, उसे देशद्रोही बताते हैं, आप जानते हैं उसके साथ आप कितना बड़ा अत्याचार करते हैं, कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं। आज जब उस किसान ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसका वक्त आप जानते हैं क्या था? सुबह के 11 या दोपहर से एक घंटे पहले, 11 से लेकर 3 बजे तक, सिर्फ 4 घंटे का। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आप में से कई लोग अपने दफ्तर पहुंच सकें और 3 या 4 बजे के बाद फिर आसानी से अपने दफ्तर से अपने घर आ सकें। वो नहीं चाहता कि आपको किसी तरह की कोई समस्या पेश आए, मगर इस सरकार का फर्जी तंत्र, आप में से कई भक्त उसको लगातार गाली दे रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं, मुंबई में भी इसी तरह से दोस्तों, जब महाराष्ट्र में किसान प्रदर्शन कर रहा था तो वो लगातार इस कोशिश में रहता था कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसे जाने के लिए रास्ता मिले, आम इंसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। वो किसान इस तरह से आपका ख्याल रखता है, वो हमारा अन्नदाता भी है और वो इन चीजों को लेकर संवेदनशील है। जो ताजा किसान आंदोलन है ना दोस्तों, उसने पूरी कोशिश की है इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक दखल ना हो। यह बात अलग है कि इस मुद्दे को लेकर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल उसके समर्थन में आ गए। दक्षिण में डीएमके से लेकर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सब इसके समर्थन में है, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के जिसका नाम है बीजेपी। वो बीजेपी जिसे शायद किसानों की जरूरत ही नहीं है, वो बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम करके छद्म राष्ट्रवाद के सहारे जो है वोट हासिल कर लेती है। और इससे जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा, क्या इस देश के अंदर प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? आखिर हम प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हैं, प्रदर्शन का अपराधीकरण क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा, मगर उससे पहले आज का जो घटनाक्रम रहा वो बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर, यहां पर आप देख सकते हैं किसान इस वक्त सड़क पर मौजूद है और यहां पर NH24 पर पूरी तरह से बंद है दोस्तों। अब ये देखिए हमारे संवाददाता अमय तिरुड़कर, न्यूज क्लिक के संवाददाता अमय तिरुड़कर ने ये तस्वीर महाराष्ट्र की भेजी है और यहां पर आप देख तक सकते हैं संपूर्ण बंद है। अब ये वीडियो देखिए, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर, अकोले अहमदनगर का है और यहां पर दुकानें पूरी तरह से बंद है। यहां पर पत्रकार साहिल मेंगानी ने यह वीडियो अपने ट्विटर पर पेश किया है और वो इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि इस वक्त चांदनी चौक में पुलिस जो है वो गश्त लगा रही है और चांदनी चौक के अंदर भी किसानों के बंद का असर दिखाई दे रहा है। मैं NDTV देख रहा था, जहां मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इसका असर जरूर दिखाई दिया है। CPM पोलित ब्यूरो की सदस्य सुहासनी अली के घर के बाहर ये दो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है, बताइए। आखिर इस तरह से राजनेताओं के घर के बाहर पुलिस को बिठाने का क्या मकसद है? आम आदमी पार्टी तो यह भी दावा कर रही है कि कल ही से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करके रखा गया है। हालांकि इस बयान के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, DCP ने उनके इस बयान का पूरी तरह से खंडन किया है। अब इस मुद्दे पर मैं कुछ और चीजें भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा दोस्तों। न्यूज क्लिक आपके सामने इस हड़ताल की, इस भारत बंद की पल पल की खबरें दिन भर लाता रहा, एक एक करके मैं आपके सामने खबरें पेश करना चाहूंगा। केरल में कई जगहों पर कई सरकारी दफ्तरों में प्रदर्शन किए गए, रैलियां निकाली गई और यह भी खबरें सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हाईवे को ब्लॉक किया गया और कई कर्मियों ने हड़ताल में वो शामिल हो गए हैं। मुंबई में डब्बा वाला एसोसिएशन का कहना है कि ये जो नए कानून ला रही है मोदी सरकार, उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कर्नाटक में भी प्रदर्शनकारियों का असर दिखाई दिया, न्यूज क्लिक की ये खबरें बता रही हैं। इसके अलावा ANI की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें गुवाहाटी में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में RJD के प्रदर्शन के चलते वहां पर ट्रेन और सड़क पर यातायात पर बुरा असर रहा, उस पर खासा असर दिखाई दिया।
कन्याकुमारी में भी आप देख सकते हैं बंद का संपूर्ण असर रहा। यहां पर विपक्ष और व्यापारी दोनों एक साथ आए और उन्होंने इस बंद का साथ दिया, जिसका असर आप यहां पर देख रहे हैं। जम्मू में भी मेरी सहयोगी सागरिका किस्सू बता रही हैं कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है वो इस हड़ताल में, इस भारत बंद में शरीक ही नहीं हुए, उन्होंने किसानों के साथ अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दमखम का इजहार किया। तो ये तमाम तस्वीरें देश भर से उभर कर आ रही हैं, मगर आज हमें कुछ प्रश्न उठाने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि किसानों के इस बंद को, किसानों के इस प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है समर्थन मिल रहा है? यह खबर आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बयान में, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे है, कहा था कि हम समर्थन करते हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर उनके कुछ सांसदों, उनके कुछ कांग्रेसमैन ने भी भारत में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पूरी दुनिया को आप देशद्रोही बता देंगे? और क्या हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन कर देंगे कि हम इस आंदोलन को आंदोलन ही ना माने, आंदोलनकारियों को बदनाम करते रहें? यह बात अलग है कि सरकार उनसे एक तरफ संवाद भी कर रही है और दूसरी तरफ उनका जो प्रचार तंत्र है उन्हें बदनाम भी कर रहा है। पूरी दुनिया गलत है, बस बीजेपी और उसका प्रचार तंत्र ही सही है? यह कैसे हो सकता है भाई? किसान, आप जानते हैं, सरकार पर क्यों भरोसा नहीं कर सकता? उसकी मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें बताऊंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर है। यह खबर गुजरात में पेप्सिको कंपनी और किसानों के बीच चली जंग को लेकर है। मुद्दा यह था, और एक एक करके मैं आपके सामने जो है पॉइंट्स रख रहा हूं। मुद्दा यह था कि गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने आलू उत्पादकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का करार किया था। चार आलू उत्पादकों की फसल को पेप्सिको ने खराब बताकर स्वीकार नहीं किया, तो जो फसल पेप्सिको ने नहीं ली, किसान ने उसे बाजार में जाके बेच दी। पेप्सिको ने इसके लिए इन किसानों को, इन चारों उत्पादकों को अदालत तक ले गई और करोड़ों रुपए का हर्जाना भी उन पे ठोका। अब आप मुझे बताइए, किसान आखिर इन धन्ना सेठों पर, इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा कैसे करें? और शुक्र है उस वक्त आसपास चुनाव थे, इसलिए पेप्सिको पर सरकार ने दबाव बनाया और पेप्सिको ने अपना केस जो है किसानों के खिलाफ जो था वो वापस ले लिया। ये तो पहली मिसाल हुई कि किसान क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों पर विश्वास नहीं कर सकता या सरकार पर विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और यह मुद्दा है गन्ना किसान बनाम चीनी मिल का। गन्ना किसान और चीनी मिल के बीच करार होता है जिसमें तय समय में किसान को फसल बेचनी होती है और उसे उसका पैसा भी मिलता है। मगर जैसा कि देखा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हमेशा आंदोलन करते रहते हैं क्योंकि यह चीनी मिल और सरकार उन्हें समय पर पैसे नहीं रिलीज करती, उन्हें पैसे नहीं देती। तो यह तो सिर्फ दो छोटी छोटी मिसालें हैं। किसान आखिर इन धन्ना सेठों पर और सरकार पर एतबार क्यों करे? आप जो बोल रहे हैं उस पर आखिर वो एतबार क्यों करे? एक तरफ आपने एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जिसके जरिए किसान आप पर भरोसा कर सके, दूसरी तरफ जब वो अपनी मांगों के साथ मैदान में उतरता है तो आप उसके प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उसको अपराधी बता रहे हैं, उसको देशद्रोही, अराजक, अर्बन नक्सलाइट बता रहे हैं। आज इन दो प्रदर्शनों पर निगाह डालिए, आपकी स्क्रीन पर अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन। सोच की भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि अगर यही आंदोलन 2015 के बाद हुए होते या पिछले एक साल में हुए होते तो इस सरकार का तंत्र उन्हें बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं करता। चलिए अंधा आंदोलन तो मान लिया, उसके पीछे खुद आरएसएस का हाथ था, विवेकानंद फाउंडेशन का हाथ था, मगर ये लोग निर्भया तक को बदनाम करने से नहीं चूकते। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज अपने हक की बात करना एक अपराध हो गया है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल है हाथरस में जिस गुड़िया के साथ कथित बलात्कार और हत्या हुई थी, उसके परिवार के साथ जिस तरह का अत्याचार किया गया, उन अत्याचारों की तमाम हदों को प्रशासन ने पार कर दिया, वो एक छोटी सी मिसाल है। मगर आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं,
और ये सवाल सरकार से है, उसके समर्थकों से है और स्वयं प्रधानमंत्री से है। इसमें दो राय नहीं है कि बैलेट बॉक्स या ईवीएम की जंग भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और उसकी दो मिसालें आपके सामने हैं। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की छलांग लगाई, 4 से 47-48 सीटें, और बिहार में भी जिस तरह से नीतीश के साथ उसने सरकार बना ली, यानी कि ईवीएम की जंग प्रधानमंत्री लगातार जीत रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि जहां वो ईवीएम के जरिए लोगों की आवाज सुन रहे हैं, मगर असल में उन्होंने लोगों को सुनना बंद कर दिया है। उनके आलोचकों के लिए वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है खान मार्केट गैंग। जी हां, बगैर किसी संवाद के कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया जाता है, कश्मीर का दर्जा एक यूनियन टेरिटरी का हो जाता है और उसके हवाले से पूरे देश में, खासकर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहां पर सियासत होती है। उसे सरकार के दमखम का एक परिणाम बताया जाता है। कश्मीरी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसके प्रदर्शन को दबा दिया जाता है। वो कश्मीरी अगर प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोही बताया जाता है। कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है, मगर कश्मीरी मेरा अभिन्न अंग नहीं। ये दोहरे मापदंड इस प्रचार तंत्र में दिखाई देते हैं। आप नागरिकता CAA को लेकर एक बिल, एक कानून लेकर आते हैं, उसके खिलाफ लोगों को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, मगर जब शाहीन बाग में लोग उतरते हैं तब आपका प्रचार तंत्र क्या कहता है? खुद गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि बाबरपुर में बटन दबाइए और आवाज जो है शाहीन बाग में सुनाई दे। इन चेहरों पर गौर कीजिए। आपके सामने प्रवेश साहिब सिंह कहते हैं अगर शाहीन बाग की जनता को खुला छोड़ दिया गया तो ये लोग हमारे घर में घुसकर हमारी बेटियों का बलात्कार करेंगे। ये हमारे ही देश के लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप वहशी बना रहे हैं। अपराधीकरण तो बहुत दूर की बात है, उनको आप एक राक्षस के तौर पर पेश कर रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो के नारों का परिणाम आपने देखा। जामिया में किस तरह से यह शख्स गोली चला रहा था, या शाहीन बाग में यह शख्स बंदूक लेकर पहुंच गया था, पिस्तौल लेकर पहुंच गया था। इस देश में प्रदर्शन करना आखिर क्यों गुनाह हो गया है? यह सरकार अब संसद की सूरत बदलने वाली है। सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के जरिए जो पूरा इलाका है उसकी शक्ल बदलने वाली है। मगर जहां संसद की शक्ल बदली जा रही है, उसका चरित्र और उसका असर लगातार इस सरकार के अंतर्गत खत्म होता जा रहा है। जिस तरह से किसान बिल पारित हुआ, वो तस्वीरें याद हैं कि नहीं आपको? आपको याद है कि नहीं कि रात में महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने सांसदों ने प्रदर्शन किया, बगैर किसी चर्चा के, बगैर उसे BAC में भेजे उस बिल को पारित कर दिया गया। यानी कि ना प्रदर्शन जायज है, ना लोगों की आपत्ति जायज है, और एक लोकतांत्रिक सेटअप में लोगों के का रुख भी, उनके अपने विचार मायने नहीं रखते हैं। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो किसान जिसने आज भारत बंद बुलाया था, मुद्दा यह नहीं कि बंद सफल रहा या नहीं रहा, मुद्दा यह है कि उसने आपकी सहूलियत का ख्याल रखा, और यह बंद का वक्त जो रहा, टाइमिंग्स जो रहा, उस वक्त रहा जब आप दफ्तर में थे, आप आसानी से दफ्तर पहुंच सकते थे और आसानी से दफ्तर से वापस आ सकते थे। उसने आपकी सहूलियत का ख्याल रखा, मगर प्रचार तंत्र ने उस पर लगातार निशाना साधा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। आप विसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।